का विवादों से साथ नहीं छूट रहा है। अलवर के मालाखेड़ा थाने में कार्यरत सिपाही मंजीत की आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं लग सका है, लेकिन मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि एएसपी ग्रामीण उस पर दबाव बना रहे थे और धमकी दे रहे थे, जिससे वो परेशान था। और मृतक के पिता रमेश ने आरोप लगाया है कि एएसपी ने थाने में आकर कहा कि काम नहीं होता है तो ट्रांसफर क्यों नहीं करा लेते, उसके बाद से वो परेशान था। घटना के दिन भी सुबह 8 से 9 बजे बात हुई थी और फाइल लेकर कोर्ट जाने की बात कही थी। मृतक के पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। और आपको बता दें कि सिपाही मंजीत का शव रेड़ी थाना इलाके के एक गांव के पास कार में मिला था और वहीं पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। कानूनी कार्रवाई के बाद मृतक सिपाही का शव अलवर लाया गया। मृतक के जेब से अलवर एसपी के नाम पत्र भी मिला है। जानकारी देने से फिलहाल पुलिस ने इनकार कर दिया है। शव मिलने के दौरान कांस्टेबल की दाई जांघ पर पिस्टल भी पड़ी मिली है और अलवर पुलिस का विवादों से कह सकते हैं कि साथ नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये शव मिला है, उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांस्टेबल का आत्महत्या करने का ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, अगर बात करें तो इसमें अभी क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, जो मृतक सिपाही है उसका पोस्टमार्टम यहाँ पर हो रहा है। इसमें नया मोड इसमें पूरा आ गया है कि एक महिला कांस्टेबल से संबंध मृतक कांस्टेबल के थे और ये माना जा रहा है कि इसी कारण से कहीं ना कहीं सुसाइड किया गया है। सुसाइड के लिए जो सर्विस रिवॉल्वर उपयोग में ली गई सिपाही की ओर से वो मालाखेड़ा थाने की थी और मालाखेड़ा थाने से रिवॉल्वर भी बिना किसी रिकॉर्ड के ले जाई गई है। जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सिपाही ने लिखा है कि उसका मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, वो जानबूझकर आत्महत्या कर रहा है, खुद अपने आप को आत्महत्या कर रहा है। परिजनों से उसने माफी मांगी है कि वो गलत कर रहा है, माँ बाप से माफी मांगी है। ये एक पूरा सुसाइड नोट जो है वो मृतक की जेब से मिला है, जो अलवर पुलिस अधीक्षक के पास है। साफ तौर पर जो परिजन है अब भी ये कह रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। अलवर सामान्य अस्पताल के जो मोर्चरी है यहाँ पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद शव जो है वो परिजनों को दिया जाएगा। अश्वनी, अभी आपने यहाँ बताया कि महिला कांस्टेबल से संबंध होने की बात भी सामने निकल कर आई है, तो क्या ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का तो नहीं है? निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग का मामला है। पुलिस की जो प्राथमिक जांच में सामने आया है उसमें ये भी सामने आया है कि घटना से एन वक्त पहले उस महिला कांस्टेबल से मृतक कांस्टेबल की बातचीत हो रही थी, फोटो एक दूसरे को भेजी जा रही थी और मृतक कांस्टेबल ने ये भी कहा था कि वो जी नहीं सकता, वो जीना चाहता है लेकिन वो उसके बिना नहीं जी सकता। इस तरह की बातचीत अंतिम वक्त में महिला कांस्टेबल से उसका मृतक कांस्टेबल की हुई थी, इसको लेकर पुलिस मान रही है पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है और किसी कारण से कांस्टेबल ने सुसाइड किया। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए यहाँ पर।